दोस्तों आज मैंने नया डिसीजन ले रखा है और आज की इस वीडियो को आप कमेंट करके जरूर बताना, आगे पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करना कि मैं ये चीज़ आप लोगों को पसंद है कि नहीं है। चलिए वीडियो आगे। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अब थोड़ा सा मैं अपने वीडियो बनाने का तरीका बदल रहा हूँ। ये नहीं है कि कौन सी वीडियो शेयर करूँगा क्या करूँगा, जो मेरे पास ऑर्डर पर होगा सारा वही चीज़ मैं शेयर करूंगा। आज सुबह से मतलब आपको बेकरी से हल्के हल्के जो भी होता है बेकरी में हल्का हल्का काम सब दिखाते रहूंगा मैं। तो आगे को काम करेंगे स्टार्ट, हो सकता है एक दो केक की वीडियो भी आएगी और थोड़ा बहुत सुबह से शाम तक का रूटीन दिखाने की धीरे धीरे कोशिश करूंगा। एकदम से तो मैं आप लोगों के सामने ये सारा कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि चेंज करना होता है तो टाइम लगता ज़रूर है किसी चीज़ को चेंज करने के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे करेंगे। तो आज शायद से एक मेरे पास ऑर्डर का है, कलरफुल वाला केक है, तो वो केक को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और बाकी इस तरीके से आगे आने वाले टाइम पे रेगुलर इसी तरीके से अगर आप लोगों को पसंद आएंगे वीडियो तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अलग तरीके से करने की और अच्छा करने की। तो आप लोगों को ये तरीका मेरा कैसा लगेगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे देखिए लाइटिंग काफ़ी अच्छी है तो मैं भी थोड़ा अभी अच्छा दिख रहा हूँ, अभी काला दिख रहा था। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये तरीका मेरा कैसा लगा आपको, अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर देना। और बाकी इसी तरीके से डेली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करना। देखिए मैंने वॉइस के लिए एक माइक भी परचेज, वायरलेस माइक भी ले लिया है और वॉइस का भी बताना कि कैसी आ रही है, क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है, आजकल किस तरह से आ रही है, ये ज़रूर सारा कुछ आप लोगों को बताना। बाहर की नॉइस वगैरह कंट्रोल हो इस चीज़ इन चीज़ों के लिए मैंने थोड़ी सी कैमरा भी चेंज कर दिया है। तो कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके मेरे से अपने चेंज करने के लिए। बाकी अब यहाँ पर काम वगैरह करते हैं, हम सुबह का टाइम है, थोड़ा सा काम वगैरह कर लेते हैं। बाकी कौन सा केक बनाऊँगा उसकी वीडियो अच्छे से एडिट वगैरह करके आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। इससे आगे को आपको केक की वीडियो देखने को मिलेगी, अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर करना। बाकी यहाँ पे देख ये चॉकलेट वाला स्पंज लग रहा है, ये काफ़ी लोगों का कमेंट ये भी होता है कि स्पंज कौन सा, ये पिल्सबरी कंपनी का प्रीमिक्स यूज़ करते हैं हम और चॉकलेट के लिए। देखिए यहाँ पर 2800 ग्राम पानी डाल रखा है और 5 किलो ये प्रीमिक्स डाल दिया। इसको स्लो स्पीड में थोड़ी देर चलाएंगे, उसके बाद फास्ट कर लेंगे, बाकी मिक्स होगा ऑयल वगैरह डाल के फिर ट्रे में डालेंगे। बाकी इस तरीके से सारा कुछ होता है, ये देखिए ये चल चुका है। तो ये थोड़ा सेकंड में डाल देते हैं ताकि चिपके ना इधर उधर, ये देखिए अब ये चलेगा 4 से 5 मिनट तक ऐसे चलेगा। बाकी इसी तरीके से होता है काम। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना, यहाँ पर बनी हुई है हमारी आलमंड पेस्ट्री, तो ये तरीका आप लोगों का वीडियो का ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी आगे केक की वीडियो है उसको भी लाइक शेयर ज़रूर करना। और केक की भी मेन तो टॉपिक रहेंगे केक के ही, तो मैं कुछ चेंज मतलब बेकरी लाइफ कैसी होती है ये सारा कुछ भी आप लोगों को इन वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मैं घर जाऊँगा उत्तराखंड की और यहाँ हिमाचल में हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं, तो आप लोग इस तरह की जगह देखना भी पसंद करोगे तो आप ये भी कमेंट करना। क्योंकि जैसे हमें संडे को टाइम मिलता है तो संडे को हम कर सकते हैं आप लोगों के लिए ब्लॉग वगैरह इस तरह से शूट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप केक की वीडियो एंजॉय कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करके आज की वीडियो में कमेंट ज़रूर कर देना। तो फिर दोस्तों अब केक वगैरह बनाना स्टार्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने 3 लेयर में कट कर लिया है केक, ये बनने वाला है मैंगो चोकोबार केक। तो पहले तो मैंने वीडियो में एक कलरफुल होने वाला है बोला है, वो भी आएगा नेक्स्ट टाइम आएगा। तो आज अभी मैं आप लोगों के लिए मैंगो चोकोबार केक शेयर करने वाला हूँ इस तरीके से। इसमें मैंगो क्रश डाला मैंने और चॉकलेट चिप्स डाले काफ़ी अच्छी मात्रा में। अगर इसके कटिंग वगैरह कर लेते हैं हम, उसके बाद आइसिंग दिखाते हैं थोड़ी सी। बाकी आज मैंने वीडियो का तरीका बदला है तो आप लोगों को ये तरीका पसंद आया तो डेली इसी तरीके से आएंगे वीडियो। आप अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकाल के मुझे भी देना। बाकी ये देखिए इस तरीके से मैंने ये केक वगैरह आइसिंग कर लिया है, इसको भी फटाफट आइसिंग करेंगे, ज़्यादा लंबा आइसिंग का नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे बस। आप इन
स्टेपों को फॉलो करते हैं तो आप भी जेन्युइनली सीख जाओगे कि किस तरह से बनाना है केक, क्या करना है, ये सारा कुछ सीख जाओगे। ये देखिए इस तरीके से ये आइसिंग हो चुका है, इसके साइड में अब हम कॉर्न वगैरह डालेंगे। और ये हो चुका है, हमने आइसिंग की वीडियो थोड़ी सी कट कर ली। इसके ऊपर डाल रहा हूँ मैं मैंगो क्रश और न्यूट्रल जेली पीस के, और उसमें अरोमा कलर डाल रखा है। तो ये चीज़ डाल के फिर इसको पूरा इस तरीके से फैला लेंगे। इसमें देख सकते हैं आप, ये पूरा इस तरीके से फैला लिया है इसमें। और इसके बाद इसके साइड में भी कॉम से पूरा प्लेन कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर जो डिजाइन देना है वो सारा कुछ करेंगे हम। इसको कर लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद इसका फाइनल डिजाइन वगैरह दिखाते हैं किस तरीके से करना है, क्या करना है। उसके लिए आपको एक चॉकलेट ग्लेज की पाइपिंग चाहिए, जो ये है चॉकलेट ग्लेज, और इसके बाद एक व्हाइट ग्लेज की पाइपिंग चाहिए। अगर आप सिंगल में भी करना चाहते हैं तब भी, या कोई और डिजाइन डालना चाहते हैं तब भी डाल सकते हैं आप। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम इसके साथ में ही दूसरी व्हाइट ग्लेज की पाइपिंग डाल रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये देखिए कंप्लीट ये हो चुका है। और इसके ऊपर अब एक टूथपिक की मदद से ये फाइनली ये डिजाइन डाल देंगे। तो हम अगर इस तरीके से डालोगे, एक इधर से एक उधर से बराबर सामने आमने सामने से इस तरीके से डालोगे तो आपके बिल्कुल प्रॉपर लाइन आएंगी। ये देखिए यहाँ से भी इस तरीके से डाल दिए, देखिए पूरा हो चुका है केक के ऊपर इस तरीके से डिजाइन। अब इसके ऊपर करते हैं हम थोड़ी सी गार्निशिंग वगैरह, और साइड में व्हाइट क्रीम से ही सिंपली बॉर्डर दे दिया। ये देखिए ये बॉर्डर दे दिया है, और ये देखिए पूरा ये चॉकलेट की गार्निश है इस तरीके से। तो यहाँ पे गार्निशों की थोड़ी सी दिक्कत आती है सर्दियों के टाइम पे, जैसे मोड़ने वाला का ये सारी गार्निश है, फैन सिगार ये चीज़ें नहीं बन पाती है। अभी सिंपल सी गार्निश चलती है। दो तीन महीने अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर